नागपुर नगर अखाड़ा संगठन समिति रेशम बाग नागपुर की ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी शहर के विद्यमान और पूर्व पहलवानों का सत्कार गेहमे आवारी और अधिवक्ता अभिजीत वंजारी के हाथों किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम पहलवान मौजूद थे। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें पहलवानों को काफी रियाज करना पड़ता है। राजा महाराजा के दरबार प्रांगण में समस्त नागरिकों के सामने कुश्ती की दंगल की जाती थी, जिसमें अलग अलग राज्यों और शहरों से पहलवान लोग आकर कुश्ती के दंगल में जोर आजमाइश करके विजयश्री प्राप्त करते थे। समय के साथ साथ कुश्ती का रुतबा भी बदल गया है। तब लाल मिट्टी में यानी अखाड़े के गोदे में कुश्ती की प्रैक्टिस करके पहलवान कुश्ती खेलते थे, लेकिन अब बड़े बड़े गद्दी जैसे मैट पर कुश्ती खेली जाती है। सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, सातारा और नागपुर से कई पहलवानों ने कुश्ती के दंगल में अपना और अपने शहर का नाम रोशन किया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये वही नागपुर शहर के पहलवान हैं जिन्होंने कुश्ती दंगल में जीत की बाजी मारकर नागपुर का नाम रोशन किया है। आज भले ही ये पहलवान उम्र के चलते कुश्ती नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन इन पहलवानों ने उस समय जो नाम कमाया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए रेशमबाग चौक स्थित नागपुर नगर अखाड़ा संगठन समिति की ओर से हर साल विद्यमान और पूर्व पहलवानों का सत्कार किया जाता है। इसी क्रम में आज शहर के पहलवानों को ट्रॉफी देकर उनका सत्कार किया गया। इस मौके पर गेव आवारी और अधिवक्ता अभिजीत वंजारी खास तौर पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बारे में श्री झाड़े पहलवान, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम ऐसे जगहों पे जहाँ पे नागपुर नगर अखाड़ा समिति की ओर से ज्येष्ठ पहलवानों का सत्कार समर्पण लिया जा रहा है। नागपुर शहर को कलाकारों की और पहलवानों की खान कहते हैं। नागपुर शहर में ऐसे एक से एक पहलवान है जिन्होंने कई अच्छा कामकाज किया है इस शहर के साथ में, इस देश का नाम भी रोशन किया है। ऐसे शहर के ज्येष्ठ पहलवानों का आज यहाँ पे सत्कार समारंभ लिया जा रहा है। राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन 29 अगस्त को मनाया जाता ध्यानचंद जी के स्मृति में, और इसीलिए हमारी संस्था जो स्पोर्ट्स की संस्था होने की वजह से हम पिछले 7-8 सालों से ज्येष्ठ पहलवानों का सत्कार हमारी संस्था की ओर से करते हैं। और आने वाले अक्टूबर महीने में हम विदर्भ लेवल पे महिला और पुरुषों की एक बड़ी कुश्ती का आयोजन यहाँ पे हमारे ग्राउंड पे कर रहे हैं। नागपुर को पहलवानों की खान कहा जाता है, लेकिन सरकारी यंत्रणा की ओर से पहलवानों को आर्थिक मदद एवं उनका जीवन संवर्धन नहीं हो पा रहा है। आज भी शहर के अधिकांश अखाड़े की स्थिति काफी लचर है। वक्त के चलते यदि सरकार इन पहलवानों पर ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में शहर से पहलवान काफी कम निकले। सही खुराक नहीं मिलने से पहलवानों की संख्या भी दिन ब दिन कम नजर आती है। यह एक बड़ा ही चिंता का विषय है। सरकार इस ओर ध्यान दे और वर्तमान एवं भूतपूर्व पहलवानों का जीवन संवर्धन करे, यही समय की मांग है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम ऐसे जगहों पे खड़ा है जहां पे शहर के ज्येष्ठ पहलवानों का सत्कार समारंभ लिया जा रहा है। राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन के अवसर पर शहर के ऐसे तमाम 250 महिला पुरुष पहलवानों की भी कुश्ती यहां पे होने जा रही है, जिसका आयोजन शानदार तरीके से नागपुर नगर अखाड़ा समिति की ओर से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज शहर के पहलवानों का भी सत्कार समारंभ लिया गया है। संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।